बोलो बोलो। क्लास माने संगठन, क्लास माने संगठन, और संगठन है ही नहीं। अकेले बाबा की मुरली पढ़ ली, याद में बैठ लिए, वो तो अमृत वेले भी बैठते हैं, तो उसे क्लास कहेंगे क्या? संगठन का बल कहेंगे क्या? संगठन का बल तो मुसलमानों में है, आज की दुनिया में भी। शास्त्रों में भी कहा है संघौ शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? संगठन की शक्ति। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता क्या? अकेला चना भार नहीं फोड़ेगा, संगठन की ताकत काम करेगी। मुसलमान लोगों में ये भी मान्यता है कि घर में नमाज पढ़ लो तो एक गुना फल होगा, एक गुना सवाब मिलेगा। मस्जिद में जाके वही नमाज पढ़ेंगे तो 10 गुना सवाब मिलेगा, जामा मस्जिद में जाके पढ़ेंगे तो 100 गुना सवाब मिलेगा, और अजमेर शरीफ में जाकर के अगर नमाज पढ़ेंगे तो 1000 गुना सवाब मिलेगा, और काबा शरीफ में जाकर के पढ़ेंगे तो 1,00,000 गुना सवाब मिलेगा। अब ये बात सच्ची है या झूठी है? हैं? कोई कहे झूठी है, अगर झूठी है तो दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लो 2,500 साल की। 2,500 साल में कौन सी कौम ऐसी है जिसने सारी दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किया है? मुसलमानों ने राज्य किया है। इस्लाम धर्म का ही बिगड़ा हुआ रूप मुस्लिम धर्म हुआ। मुसलमानों ने जितना राज्य किया है उतना क्रिश्चियंस ने भी नहीं किया। क्रिश्चियंस का राज्य तो अभी दुनिया में 150-200 वर्ष से फैला है। तो कौन सी ताकत उनके अंदर थी और है? ये संगठन की ताकत है। जितना संगठन बड़ा बनाएंगे, और संगठन उतना ही बड़ा बनेगा जितनी प्योरिटी होगी। प्योरिटी माने यूनिटी, यूनिटी माने संगठन। नहीं तो अकेले ढपली बजाते रहो, कहीं आवाज पहुंचेगी नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिकट करके अलग नहीं रहना है, बाप आया है तो बाप के परिवार के साथ रहना है। बाप का ध्यान रखा और बाप के परिवार का ध्यान नहीं रखा क्या? तो ये बाप की बेइज्जती है। बाप कहते हैं कि मैं आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूं, तो उसे स्थापना में सहयोगी बनना चाहिए। सब आपस में भाई भाई, अगर संस्कार नहीं मिलते हैं तो भी सहन करके संस्कार मिलाना चाहिए। समझ लेना चाहिए, जो यहां सहन करेगा वो वहां सहन करा देगा, जन्म जन्मांतर। जो यहां सहन करेगा ईश्वरीय परिवार को बढ़ाने के लिए, वो वहां जन्म जन्मांतर सहन करा देगा। कितनी अच्छी बात है, ईश्वर के लिए कितना बड़ा त्याग है। ऐसे नहीं किसी से नाराज होके बैठ गए, अकेले संगठन करना शुरू कर दिया। कोशिश करके बांधेली माताएं हैं तो भी कोशिश करके, दिन में कोई भी टाइम निकाल करके गीता पाठशाला अटेंड करना अच्छी बात है। गीता पाठशाला भगवान का घर है, गीता पाठशाला में भगवान गया है तो आज यादगार बनी हुई है गांव-गांव में, शहर-शहर में। कौन सी?
गीता मंदिर बने हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए हैं। काहे की यादगार है? गीता मंदिर गीता पाठशालाओं की यादगार है। तो बाप गीता पाठशालाओं में जावेंगे, अकेले बैठ के धुनी रवा देंगे तो संन्यास धर्म में चले जावेंगे। जैसे जंगल में संन्यासी क्या करते हैं, हाँ अकेले लकड़ी ली और जला ली और बैठ गए आदमी। कोशिश करके संगठन बनाने की कोशिश करनी है। आत्माएं बैठ गई, लेकिन वो आत्माएं बाप के बच्चे बने, बच्ची की है? जो आत्माएं बैठ गई उन्होंने बच्चा बनी है, बाप का बच्चा बनी है, तो वो बाप के बने हुए बच्चे आत्मा स्वतंत्र बनी है कि बंधन में है? बाप के बच्चे और बंधन जिंदगी भर के लिए स्वीकार कर लेंगे क्या? कभी स्वीकार नहीं कर सकते। बंधन आज नहीं तो कल, तोड़ना ही तोड़ना है। हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। और है हैं हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं। जब उनको निश्चय बुद्धि बना लें तब उनकी भर्ती करें। निश्चय बुद्धि बने नहीं है, पुरानी दुनिया से, पुराने ब्राह्मणों की दुनिया से उनका दिल टूटा नहीं है। भाई कोई नए बाप के घर में जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले पुराने बाप के घर को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? पहले बुद्धियोग वहां से टूटे, पुरानी दुनिया से। बिनु बैराग विवेक न होई, पुरानी दुनिया से बैराग दिलाओ ज्ञान दे करके। पुरानी दुनिया से बैराग आ जाए और बाप में बुद्धियोग जुट जाए तब समझो निश्चय बुद्धि। और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि की निशानी है कि उसको लगन लग जाएगी कि हमें जल्दी मिलाओ। क्या हम बाप से मिले बगैर रह नहीं सकते? और दूसरी निशानी है वो जो सुनेगा वो दूसरे को सुनाए बगैर रह नहीं सकेगा। बाप का बच्चा होगा तो बाप सर्विसेबल, तो बाप का बच्चा भी जन्म से ही सर्विसेबल होगा। हाँ जी, बत्ती कितने दिन हो गए किए हुए? हैं? 2 साल हो गए। 2 साल में अगर तुमने 2 साल की मुरलियां लगातार सुनी होती तो ये प्रश्न पैदा ही नहीं करते। कितनी बार बताया है कि अब एक बात तो पूरी हो लेने दो। कोई पैंतरा बदलना है क्या? नहीं, तो एक बात पूरी कर लो कि ब्रह्मा के जितने मुख हैं समझो उतनी ही आत्माएं हैं संगठित। कितने मुख हैं? 5 मुख हैं। तो 5 मुख हैं तो आत्माएं कितनी होंगी? 5 आत्माएं होंगी। जो 5 आत्माएं हैं वही ब्रह्मा सो क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु। तो जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है वो विष्णु में भी भुजाएं फिर कितनी होंगी? भुजाएं भी तो होनी चाहिए। भुजा माने चैतन्य भुजाएं होंगी या जड़ भुजाएं होंगी? चैतन्य भुजाएं होंगी। कोई आत्माएं होंगी सहयोग के रूप में, वो सहयोगी 4 आत्माएं और 4 जो सहयोगी आत्माएं चैतन्य हैं उनको चलाने वाला कोई होगा या नहीं होगा कि भुजाएं अपने आप चलना शुरू कर देंगी? वो चलाने वाला भी होता है, वो है 5वां मुख। जिस मुख के लिए कहा गया है तो उसने गाली देना शुरू कर दिया तो वो मुख काट दिया।
ये गाली आदि देना ये महातमो प्रधानता की निशानी है। जो आत्मा के मुख से गाली निकलती हो, मुख से गाली निकलती हो, तो समझ लो क्या है, तमो प्रधान आत्मा है। तो ब्रह्मा के मुख से भी अगर गाली निकले, जिस ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होनी है, तो ऐसे गाली देने वाले मुखों को काटना जरूरी है कि नहीं काटना जरूरी है? जरूरी हो जाता है। तो कहते हैं पांचवा मुख काट दिया, आत्मा अलग हो गई और देह अलग हो गई, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। अरे ब्रह्मा तो देहधारी को कहा जाता है, और देहधारी की आत्मा अलग हो जाए और देवान अलग हो जाए तो वो ब्रह्मा नहीं रह गया, संपूर्ण आत्मा बन गई। वो जो संपूर्ण आत्मा पहली बनती है, वो आत्मा उन चार भुजाओं को चलाने वाली बन जाती है। तुम कहो कि फिर तो हम भी ऐसे ही ब्रह्मा बनेंगे, धड़ाधड़ गालियां देना शुरू कर दो? ये बात नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है। जो पहले पहले सतो प्रधान बनेगा, वो पहले पहले तमो प्रधान बनेगा। जो पहला पहला ब्राह्मण बनेगा, वो पहला पहला शूद्र बनेगा। कोई अपने आप करने की बात नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है। तो प्रजापिता के लिए कहा जाता है कि प्रजापिता जब तमो प्रधान बना, तो उसने भगवान को भी गालियां देना शुरू कर दिया। तो वो पांचवा मुख है, जो चार भुजाओं को चलाने वाला पहले तैयार होता है, और जो चार भुजाएं हैं उनमें दो भुजाएं हैं राइटियस और दो भुजाएं हैं लेफ्टियस। जो राइटियस भुजाएं हैं वो हैं ब्रह्मा सरस्वती, उन्होंने सदैव राइटियस कर्म ही किए हैं कि अनराइटियस काम भी किए हैं? राइटियस काम ही किए। एक है ऊपर की भुजा राइटियस, और एक है नीचे की भुजा। जो ऊपर की भुजा है वो ऊपर की इसलिए है कि इसने बुद्धि का काम विशेष किया है। क्या बुद्धि का काम किया? उस बुद्धि का काम विशेष करने के कारण वो बुद्धि की देवी कही जाती है, विद्या की देवी कही जाती है। क्या विशेष काम किया? वो विशेष काम किया जो विशेष कार्य राम वाली आत्मा ने भी नहीं किया। क्या काम किया कोई बताएगा? हाँ, आत्मा ज्योति बिंदु है, ये नहीं, आत्मा अनुरूप है, वो तो पहले से भक्ति मार्ग में सबको मालूम, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है कि भगवान जो है उसका असली रूप क्या है। वो मंथन करके मम्मा ने निकाला पॉइंट कि आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु होना चाहिए, सांप लंबा लंबा है तो सांप का बाप भी लंबा लंबा होना, चींटी छोटी सी है तो उसका बाप भी छोटा सा होना चाहिए। तो ये मंथन मम्मा ने किया, कितनी बड़ी बात निकाल दी, जिस बात में सारी दुनिया मुझी हुई थी। किस बात में? कि भगवान का असली रूप क्या है? ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु रूप मम्मा ने ईजाद किया, नहीं तो पहले बड़े लिंग आकार को याद करते थे, बड़े लाइट के गोले को याद करते थे। सोमनाथ मंदिर में जो बड़ा लाल लाइट का पत्थर लगा हुआ था उसे याद करते थे। ये किसी की बुद्धि में नहीं आया कि सोमनाथ के मंदिर में जो उस लाल पत्थर में जो हीरा जड़ा हुआ था
वो किसकी यादगार थी? ये बात मम्मा ने निकाली कि वो हीरा केवल ज्योति बिंदु की यादगार है, इसलिए वो राइट या सेंड में क्या दिखाया जाता है अस्त्र है षष्ठी चक्र, कौन सा आयुध, आयुध माने शस्त्र, कौन सा शस्त्र दिखाते हैं सदर्शन चक्र, और नीचे की भुजा में गदा। वो जो रहती है भुजा है वो बुद्धि का काम हुआ, और जो थोड़े बुद्धू होते हैं, बुद्धि तीखी नहीं होती है, जैसे अर्जुन, अर्जुन बुद्धि में तीखा था, बुद्धिमान नर अर्जुन, तो उसको ज्ञान बाण दिखाए गए, और भीम को गदा दिखा दी, मोटा ताजा था ना, जो बहुत मोटे ताजे पहलवान होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, थर थर, तो उनको गदा दिखा दिया। तो मम्मा को सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा को गदा, दादा लेखराज को। अब विष्णु की लेफ्ट लेफ्ट भुजाएं, उनमें ऊपर की भुजा भी है और नीचे की भुजा है, तो जो ऊपर की भुजा है उसमें कौन सा आयुध है, है? है? शंख। जो शंख है, जब महाभारत युद्ध हुआ तो पहला शंख किसने बजाया है? अंदाजिया तुक मार दी, है? नहीं, लक्ष्मी कहाँ युद्ध करती है? है? खैर, ब्राह्मणों की दुनिया में असली युद्ध कब शुरू होगा? सेवेंटी सिक्स से युद्ध शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? एडवांस और बेसिक में युद्ध हुआ या नहीं हुआ? हुआ, लेकिन साधारण युद्ध हुआ या विशेष युद्ध हुआ? विशेष युद्ध वो नहीं हुआ जो महाभारत युद्ध गाया हुआ है, जिसका शास्त्र में गायन है। क्या बाबा भी बताते हैं, है? पहले गीता ज्ञान कि पहले भागवत कि पहले महाभारत युद्ध है? पहले गीता ज्ञान चलता है, उसके बाद भागवत होती है, और जैसे ही भागवत शुरू होती है वैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। दुनिया में जितने भी शास्त्रों में युद्ध दिखाए गए हैं वो युद्ध किसके पीछे हुए हैं, उनका मूल कारण कौन होता है? अरे महाभारत का मूल कारण द्रौपदी, रामायण का मूल कारण सीता, और देवासुर संग्राम का मूल कारण लक्ष्मी। तो ऐसे ही है यहां भी, 76 में कोई मूल कारण सामने नहीं आया, इसलिए महाभारत युद्ध नहीं कह सकते। हाँ, गीता ज्ञान शुरू हुआ, गीता ज्ञान अमृत कहेंगे, क्योंकि अमृत मंथन करके निकाला जाता है, 76 से मंथन शुरू हुआ, गीता ज्ञान अमृत हमारे सामने आया, गीता का एपिसोड चल रहा है, भागवत का एपिसोड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी ब्राह्मणों की दुनिया है, उस ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर का जो अंदर का परकोटा है किला का, किले के दो परकोटे होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का, तो जो घरगस्त में रहने वालों का बाहर का परकोटा है वो एडवांस पार्टी में आ गया, बाहर के परकोटे में रहने वाली जो कन्याएं माताएं हैं वो एडवांस में जाने से उनका कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जब अंदर के परकोटे में से
हजार की हजारों शहद की रानी के पीछे भागेंगी, तो दुर्योधन दुशासनों को क्रोध आवेगा या नहीं आवेगा? जोर से क्रोध आवेगा और महाभारत युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये कनेक्शन बताया, पहले है गीता ज्ञान। जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो ज्यादा मजमा इकट्ठा नहीं होता, कोई नहीं सुनना चाहता गीता ज्ञान। गीता ज्ञान किसी की ज्यादा समझ में भी नहीं आता। बिरले हैं अर्जुन जो निश्चय बुद्धि बनते हैं गीता ज्ञान सुन के, लेकिन जब भागवत शुरू होती है तो सबकी आंखें खुली। कौन भागा, कहां भागा, क्या लड़ाई हुई, कैसे हुआ, कैसे क्या होना चाहिए, सबकी बुद्धि चलने लग पड़ती है। तो वो भागवत अब शुरू होने वाली है, और जब भागवत शुरू होगी, जिसका तरीका व्यक्त बाप दादा ने एडवांस वालों को बता दिया। क्या बताया है? अरे विभीषण ने तरीका बता दिया राम संप्रदाय को, ये रावण के सर कैसे कटेंगे, ये कटना बंद कैसे होंगे, कैसे मरेगा रावण, क्या करो है? अरे सीधी सीधी बात बताओ, नाक कटाओ, नाभि कटाओ, क्या क्या बोलते है? नाभि काटो, नाक काटो, कान काटो, ये क्या बोल रहे हैं? अरे विजय माला का आह्वान करो, विजय माला की हेड को आह्वान करो। विजय माला की जो हेड है वो है वैष्णवी, वो विष्णु की नाभि से निकलता है ब्रह्मा। क्या विष्णु की नाभि में 16108 नार नारियां बंधी हुई है, वो 16108 नसों नाड़ियों को कंट्रोल करने वाली है। अगर उसका आवाहन कर लिया तो समझो सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त हो गई। तो बाबा ने तरीका बता दिया, एक रानी मक्खी को आवाहन करो, पीछे पीछे सारे की भागवत शुरू हो जाएगी। और जब भागवत शुरू होगी तो दुर्योधन दुशासन शिशुपालों को बड़ी जोर से क्रोध आ जाएगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम जानते हैं गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध होगा और स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे, हम घुस जाएंगे, वो रह जाएंगे। तो शंखनाद होगा, वो शंखनाद किसके द्वारा होगा, कौन सी भुजा के द्वारा होगा? जो विष्णु की लेफ्ट साइड की ऊपर की भुजा है, उस भुजा के द्वारा उस रानी मक्खी के भागने के साथ ही साथ युद्ध का घंट बज जाएगा, शंखनाद हो जाएगा। इसलिए विष्णु की उस ऊपर की लेफ्ट भुजा में शंख दिखाया जाता है और नीचे की भुजा में कमल का फूल। जो कमल का फूल है वो कीचड़ में रहने वाली आत्मा की यादगार है, रहती कीचड़ में है, कीचड़ की दुनिया में रहती है, पतित दुनिया में रहती है, पतित परिवारों के बीच में रहती है, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी हुई है? एक भगवान के पास लगी हुई है। उसका यादगार है कमल का फूल। कौन है वो है? हाँ, जगदम्बा। रहती है घर गृहस्थ की कीचड़ की दुनिया में,
रावण संप्रदाय के कीचड़ में रही पड़ी है, बंधन में फंसी हुई है। जैसे बामेली माताएं जबरियन उनको कीचड़ में रहना पड़ता है, लेकिन बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि उपराम होकर के रहती है। सबसे जास्ती अदर कुमार याद करते हैं, कुमार याद करते हैं, कुमारियां याद करती हैं, या बांधेली माताएं याद करती हैं? क्यों? क्योंकि उनका तन बंधन में है, लेकिन मन स्वतंत्र होता है। उन बांधेली माताओं में सबसे जास्ती बांधेली माता कौन है? है जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है वो रावण की जेल में है, कीचड़ की दुनिया में है, और कीचड़ की दुनिया में रहते भी भगवान को, भगवान के स्वरूप को सबसे जास्ती याद करती है। इसलिए महाकाली के जो पुराने पुराने चित्र हैं, उन चित्रों में स्थूल पांव से शंकर को दबोचे हुए भल दिखाया है, लेकिन बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? शंकर का चित्र रखा हुआ है। इससे क्या साबित हुआ है? कि बुद्धि से भगवान को याद करती है, दुनिया समझती है कि भगवान को प्रताड़ित करने वाली है, लेकिन भगवान समझते हैं कि मेरा जो विशेष कार्य है पाप की दुनिया का विनाश करने का, ये पाप की दुनिया को विनाश करने का काम जो शंकर का खास काम है, भगवान का विशेष काम है, वो कौन करती है? है? जगदम्बा। इसलिए असुर संहारिणी गाया हुआ है, असुर संहारी शंकर नहीं गाया हुआ है। तो शंकर तो समझता है कि काम किसका कर रही है? हैं? बाप का काम कर रही है, बाप का काम कर रही है। तो गैया अगर काली भी है और दूध ज्यादा देती है, तो काली तमो प्रधान गऊ का पांव भी, लात भी अगर सहन करनी पड़े तो कोई खराब बात है क्या? हैं? वैसे भी रोजमर्रे की जिंदगी में, कलयुग की दुनिया में तमो प्रधान तो सब हैं, सभी मनुष्यों को लाते तो खानी ही पड़ती हैं थोड़ी बहुत, तो ये क्या बड़ी बात हो गई? इसलिए भल लात खाते जाओ, लेकिन काम अपना कराते जाओ। तो ये पांचवी भुजा है, चाहे चौथी भुजा है, इन चारों भुजाओं को कंट्रोल करने वाला बाप, राम बाप कहा जाता है। जो पांचवा सर कटा हुआ दिखाते हैं। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं? इसका जवाब भी दे दिया है, तुमको सुनना ही नहीं है। मुरलियां क्लास कर रही हो रोज? है? क्लास कर ही नहीं पाते। प्रश्न ये है, प्रश्न है कि सरस्वती में तो शिव बाबा प्रवेश ही नहीं करते। जब प्रवेश ही नहीं करते तो ब्रह्मा का मुख कैसे हो गया? बाबा ने तो बताया है, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। अच्छा, क्या भगवान सिर्फ मुख से बोल बोल करने के लिए ही प्रवेश करता है? है? भगवान का काम मुख से बोल बोल करने का ही है? क्या मुख से बोल बोल करके ही ज्ञान सुना जाता है? प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा कोई ज्ञान सुनता नहीं है,
अरे प्रैक्टिकल कर्म से आदमी ज्ञान सुनता है, प्रभावित होता है, या मुख के बोल बोल से प्रभावित होता है? जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाता है उसकी एक्ट से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, मुख के बोल बोल से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो उनमें दो विशेष आत्माएं हैं, एक ओम राधे मम्मा और दूसरी जगदम्बा, नहीं दूसरी सरस्वती, वो क्या नाम, वैष्णवी। वैष्णवी जो है वो मुख से बोल बोल करने के साथ साथ एक्ट भी ऐसी करती है कर्मेंद्रियों से, अभिविचारी एक्ट, जो सारी दुनिया प्रभावित हो जाती है। शंकर जी और ब्रह्मा जी और जगदम्बा जी है कि नहीं? शंकर जी ब्रह्मा जी जगदम्बा जी इतना बोल बोल करते हैं वर्षों, दुनिया प्रभावित होती है, दुनिया बदलती है क्या? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान प्रवेश करके बोल बोल करे तब ही प्रवेश का साबित होती है। कर्मों की एक्ट से भी प्रवेश का साबित होती है। जगदम्बा में जो ये मनन चिंतन मंथन का टॉप मोस्ट पॉइंट आया, ये ओम राधे मम्मा की आत्मा ने 63 जन्म क्यों नहीं मंथन करके दिखा दिया? इसी लास्ट जन्म में मंथन करके क्यों दिखाया? क्या कारण है? है? अरे वो शिव ने प्रवेश करके उनके द्वारा मंथन कराया। ब्रह्मा दादा लेखराज ने सहन शक्ति का ऊंचे से ऊंचा उदाहरण दिखाया, 63 जन्मों में क्यों नहीं करके दिखाया? उस समय बाप नहीं प्रवेश किया, यहां प्रवेश किया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ओम राधे मम्मा में प्रवेश करके शिव बाप बोल बोल करे तब ही ब्रह्मा साबित होगा, या वैष्णवी देवी में शिव बाप प्रवेश करके बोल बोल करे तब ही वैष्णवी देवी साबित होगी, नहीं एक्ट से भी साबित होती है। और धनुर्विद्या सिखाई। हाँ जी, वो लोग ऊपर उठ उठ के देख रहे हैं, जरा खड़े होकर बोल दो, उन बेचारों को उठना न पड़े। हाँ जी, हैं? नहीं सिखाया। हाँ चला गया है? हाँ हाँ, तो प्रश्न यही है ना कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा क्यों मांग लिया? ये तो अत्याचार कर दिया उसके साथ। तो उसका जवाब ये है कि गुरु द्रोणाचार्य भगवान का पार्ट था, सदगुरु का पार्ट था, या दुनियावी देहदारी धर्मगुरुओं का पार्ट था? किसका पार्ट था? देहदारी धर्मगुरु ईर्ष्या देश करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अरे अर्जुन की तो बात छोड़ो, उन्होंने जो विद्या अपने बच्चे अश्वत्थामा को सिखाई वो अर्जुन और पांडवों को भी नहीं सिखाई, इतना देहवान था। एकलव्य तो बहुत दूर की चीज हो गई। देहदारी धर्मगुरुओं में और भगवान में, सदगुरु बनने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए वो ईर्ष्या देश के कारण कि मेरे पढ़ाए हुए उनसे ज्यादा तीखा दूसरा क्यों चला जाए, ऐसे तो सारी दुनिया आगे निकल जाएगी, फिर मेरा प्रभाव क्या रहेगा? तो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या मांग लिया?
अंगूठा ही काट दिया बेचारे का। अंगूठा काटना माने आत्मिक स्थिति खत्म कर देना। ये अंगूठा नहीं काटा, आत्मिक स्थिति खलास कर दी। कारण को ब्राह्मणों की दुनिया में हाँ किसका है? अच्छा ठीक है बेटा, कर्ण माने क्या होता है? कान। ब्राह्मणों की दुनिया में कान से सुनने और कान से सुनाने का काम सबसे जाती किस आत्मा ने किया? सिर्फ सुनने सुनाने का काम किया, समझने समझाने का काम नहीं किया। वो कौन है? है ब्रह्मा। वो दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट क्या हुआ? कर्ण का पार्ट हुआ। वो पांडव था या दासी पुत्र था? है पांडव नहीं था, वो था दासी पुत्र। दासी ने उसकी पालना की थी। क्या कहा? पालना किसने की? दासी ने। और जन्म किसने दिया? अरे दासी ने जन्म दिया या बड़ी से बड़ी अच्छे चरित्र वाली रानी ने जन्म दिया? ब्राह्मणों की दुनिया में वो बड़े से बड़ी रानी कौन है जो पांडवों की भी अम्मा थी और पांडवों को बाद में जन्म दिया, पहले पहले उसको जन्म दिया? किसको? कर्ण को। वो कौन है? कौन? जो भगवान की रची हुई गीता माता है, जो गीता माता सड़क के द्वार खोलती है, उसे गीता माता ने उसे जन्म दिया था। कौन थी गीता माता यज्ञ के आदि में? ओ गीता माता कौन थी? हैं? जगदम्बा थी? है ब्रह्मा बाबा को बोल बोल करना वाला ज्यादा प्रभावित करता था या चरित्रवान ज्यादा प्रभावित करता था ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा बाबा भी एक अनुभवी रथ था। उस अनुभवी रथ को बोल बोल करने वाला ज्यादा प्रभावित करता था या चरित्रवान ज्यादा प्रभावित करता था? बोल बोल करने वाली ज्यादा प्रभावित करती थी। अच्छा सुनो, ब्रह्मा बाबा इस वर्तमान ब्राह्मण युग में जिससे जन्म लेगा, जिससे जन्म लेने की शूटिंग करेगा, उसी का बच्चा सत्यगुण में बनेगा किसी दूसरे का बनेगा? है उसी का बनेगा। तो वो माता कौन थी जिस माता ने ब्रह्मा बाबा को प्रभावित करके प्रजा बना दिया पहला? जगदम्बा थी। जगदम्बा सत्यगुण में जन्म देगी? है जो दो ही बातें करती है, अभी अभी कुछ बोलती है, अभी कुछ क्या बोल दिया, एक बात नहीं करती। यज्ञ के आदि में उनकी बड़ी बहन थी जिसको वो माँ समान समझते थे, अपनी बच्ची भी उनकी संरक्षण में छोड़ दी थी।
जो अपनी बच्ची को जिसके संरक्षण में छोड़ देगा, उस माता की बात पहले मानेगा या बाहर की माता की बात पहले मानेगा? है? हाँ, वो बच्ची यज्ञ के आदि में एक माता थी जो बोल बोल नहीं करती थी, वो बच्ची भी त्रिमूर्ति के बीच में मौजूद थी। क्या? जब सेवा आते हैं तो अकेले नहीं आते, इसके साथ आते, तीन मूर्तियों के साथ। तो जब ज्ञान का बीजारोपण किया गया तो उस समय तीनों आत्माएं थी, प्रजापिता भी था, दो माताएं भी थी। उन दो माताओं में एक बड़ी माँ और दूसरी छोटी माँ। बड़ी माँ का स्वभाव बोल बोल करने का है, मनन चिंतन मंथन करने का नहीं है, और छोटी माता का स्वभाव बोल बोल करने का नहीं था और मनन चिंतन मंथन करने का भी नहीं था। लेकिन जब तक पक्का निश्चय न बैठ जाए तब तक वो किसी को सुना नहीं सकती, झूठी बात किसी को नहीं सुनाएगी। यज्ञ के आदि में भी जब पुरानी दुनिया का अंत होता है, यज्ञ के आदि में भी वो पवित्र थी, वैश्य भी थी, और जब सृष्टि का आदि हुआ तब भी क्या थी? है? सृष्टि, जब नई सृष्टि शुरू होती है तो नई सृष्टि के शुरुआत में पहले पहले कौन सा देवता होता है? विष्णु। नई सृष्टि जब शुरू होती है तो पहले पहले कौन सा देवता? विष्णु देवता। तो जो आदि में देवता होगा वो अंत में होगा कि नहीं? जो आदि सो अंत। नई सृष्टि के आदि में भी वो लक्ष्मी नारायण आदि देव थे, और जब पुरानी दुनिया का अंत होता है तो भी वो विष्णु स्वरूप होते हैं। उन विष्णु की नाभि से 10 वर्ष के बाद 47 में ब्रह्मा प्रकट हुआ। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो वो वैष्णवी शक्ति आदि में भी वैष्णवी शक्ति थी, पवित्र थी, और उस पवित्र बुद्धि ने साक्षात्कार के आधार पर देशिक में भी आदि ने ये तय किया था कि ये आत्मा ही कृष्ण बनेगी। प्रजापिता के कहने से ब्रह्मा बाबा को बुद्धि में नहीं बैठा। बच्चे को अपने बाप का ज्ञान बाप से होता है या माता से होता है? माता से होता है। तो कौन सी माता थी जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठा कि मैं सतयुग की नई दुनिया में पहला प्रिंस मैं बनूंगा? है? है। वो ही वैष्णवी शक्ति जो पवित्र बुद्धि थी। तो वो पवित्र बुद्धि एक ऐसी आत्मा है जो सृष्टि के आदि में भी होती है और सृष्टि के अंत में भी विष्णु रूप बन करके रहती है। उन दोनों के संस्कार आपस में मिले हुए थे। दुनिया की और जोड़ियों के संस्कार भले टकराते हो, लेकिन वो जोड़ी आज सनातन देवी देवता धर्म की ऐसी जोड़ी है जो आज सनातन देवी देवता धर्म को प्रायः लोप क्या नहीं होने देती है। और जोड़ियां जो हैं वो विभिचारी बन सकती है, नंबर वार, लेकिन एक जोड़ी आज सनातन देवी देवता धर्म को अंत तक भी बरकरार रखती। इसलिए बोला
कि देवी देवता सनातन धर्म में प्राय लोप होता है पूरा, तो प्रश्न क्या था माता ने जो प्रश्न किया था, क्या था दोबारा है करण। हाँ तो करण समझ में आया कौन हुआ, ब्रह्मा बाबा। कैसे बहुत सब शिव बाबा जब बोलते हैं तो पहले पहले कौन सुनता है, ब्रह्मा बाबा सुनते थे तो उनके कान बड़े अच्छे थे, तो अच्छे कान दिखाने के लिए कुंडल दिखा दिए। उन्होंने कानों से सुन करके जो दान दिया है वैसा दान दुनिया में कोई ने नहीं किया, इसलिए कर्ण को महादानी कर्ण के रूप में आज भी गाया जाता है। वो सूत पुत्र था, उसका जन्म किससे हुआ था है? अरे दासी से जन्म हुआ था। हाँ कुंती से जन्म हुआ जो पांडवों की माँ थी, पांडवों की माँ छोटी माँ या बड़ी माँ है? पांडवों की माँ छोटी माँ पवित्र माँ, उसका नाम शास्त्रों में दिखाया गया है कुंती। दो प्रकार के पांडव हैं, तीन हैं बड़े, युधिष्ठिर भीम अर्जुन, उनकी माँ थी कुंती। और दो पांडव थे छोटे, उनकी माँ थी माद्री मंदबुद्धि। तो कर्ण की माँ कौन थी जिसने जन्म दिया, कुंती महारानी थी। और पारा किसने, कौन थी दासी है? अरे है कितनी बार मुरलियों में बोला हुआ है कि तुलसी का पाठ किसका है जो आंगन में दिखाई जाती है, अंदर बेडरूम में नहीं बैठाया जाता है? हाँ आंगन में क्यों बैठाई जाती है, क्योंकि वफादारी निभाने में थोड़ी भूल हो गई, इसलिए रावण उठा ले गया, श्रीमत की लीका से बाहर हो गई, इसलिए रावण उठा ले गया। ये बेवफाई होने के कारण तुलसी की पूजा तो होती है, जब तक तुलसी को थाली में भोग न लगाया जाए तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं होता। वो कौन सा भोग है, भगवान को लड्डू पेड़ा कचौड़ी खाने के लिए नहीं आता है, क्या खाने काय का भोग लगाता है, सब भूल गए, विकारों का भोग लगाता है। तो वो विकारों का भोग लगाने के लिए जिसने अपने को पहले अर्पण किया उसको देख देख करके और 16,000 ने अर्पण किया, वो पहले नंबर अर्पण होने वाली तुलसी कही जाती है। थोड़ी सी भूल हो गई बेवफाई की, इसलिए दासी का काम बनता है, क्या तुलसी आंगन में बैठाई जाती है, अंदर बेडरूम में नहीं। बेडरूम में कौन, रानी या दासी, रानी बैठाई जाती है। एक दूसरी तुलसी भी होती है जो आंगन में भी नहीं बैठाई जाती, वो जंगल में रहती है, वो अभी भी कांटों के जंगल में है, पहले भी कांटों के जंगल में थी, थोड़े समय के लिए भगवान का साथ निभाया और गायब हो गई।
इसलिए उसे काली तुलसी कहा जाता है। आदि से लेकर के अंत तक ज्यादातर जीवन उसका कांटों के जंगल में व्यतीत होता है, सरेंडर होकर के जीवन व्यतीत नहीं होता है। तो दासी पुत्र क्यों कहा गया कर्ण को है? क्योंकि यज्ञ के आदि में बड़ी माँ थी जो ब्रह्मा बाबा की पालना करने वाली थी। ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन कौन देते थे? कोई ऐसे बच्चे थे जो ब्रह्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे। उनमें अव्वल नंबर नाम किसका था है? अरे वो ही माता जगदम्बा का। आज में भी वो ब्रह्मा बाबा की पालना करती थी। और बाबा यही तो कहते हैं ना कि तुलसी विवाह बाद में सूखे से तुम मिलाए और राम भरोसे दे रहे पर्वत में है। ज्ञा को अर्थ हमें ना मालूम, पहले अर्थ बताओ। हाँ खड़े हो जा। हाँ, तुलसी बिरवा एक बार बोलो। बिरवा बाद में बाद में तुलसी बिरवा बाग में कुमला जाती है कब? अगर पानी डाले। अच्छा, माने जो जंगल की तुलसी होती है काले पत्ते वाली, अगर उसमें पानी डाल दें है तो कुमला जाती है। हाँ पीछे से पीछे माने पानी डालने और राम भरोसे जी रहे वो पर्वत में लग गया। हाँ, राम भरोसे जी रहे हाँ। रुको तो अर्थ तो बता लेने दो। हाँ जो तुलसी वाले बाग में पीने से मिला जाता है वही काली तुलसी। हाँ, और जो जंगल में रहती है वो हरियाती रहती है। जंगल में रहने से हरियाती है, लेकिन अगर पानी डाल दिया जाए तो कुमला जाती है। वही काली तुलसी की बात है जो यज्ञ के आदि में पहले निकली थी भंगिन के रूप में, सारी सभा के अंदर आती थी और बाबा के गले लिपट जाती थी। उसको बाद में दो चार रोज के बाद उसके परिवार वाले लोग आए और ले गए। वो टिक नहीं पाई ज्यादा टाइम। ऐसे ही एडवांस में भी कोई एक पार्टधारी है जो पहले पहले सरेंडर होती है, लेकिन सरेंडर होना बड़ी बात है या निभाना बड़ी बात है? निभाना बड़ी बात। सरेंडर तो पहले हुई, लेकिन जब उसके परिवार वाले आए, शूद्र संप्रदाय बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया के, तो उसको बहा ले गए, उठा ले गए। और जब उठा ले गए तब से लेकर के अब तक भी एडवांस की दुनिया में वो कांटों के जंगल में ही जीवित है। क्या उसे ज्ञान की बातें सुनाओ तो कुमिला जाएगी? ये ज्ञान की बात है कि यज्ञ के आदि में भी कोई भंगिन थी जो आदि सो अंत में भी ऐसी निकलती है जो भगवान के साथ समर्पित तो होती है तन से मन से, लेकिन निभाए नहीं पाए। ये बातें उसको अच्छी लगेंगी है? ये बातें अच्छी लगेंगी क्या? नहीं अच्छी लगेंगी। तो पानी डालने से तो मिलाया जाती है। तो
ब्राह्मण जो है समग्र राष्ट्र का प्रतीक है, ब्राह्मण जो है समग्र राष्ट्र का प्रतीक है। हाँ जी, लेकिन उसकी लंका तो श्रीलंका बोलते हैं, उसकी स्त्री तो श्रेष्ठ बोलते हैं। जो स्त्री माने श्रेष्ठ, रचना लंका है, उसे श्रीलंका कहा जाता है। तो रचयिता श्रेष्ठ होगा या भ्रष्ट होगा है? कोई दूसरा होगा, ऐसी होगा। तो लंका की रचना किसने की थी? रावण ने की थी है? शिव बाबा ने की थी, तो शिव बाबा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। जिस नगरी को रचेगा वो श्रीलंका नहीं कही जानी चाहिए। और चार माह पहले से ही हाँ, वो आत्मा जो है अपने संकल्पों से नहीं, चार महीने पहले से ही उसके पिंड जो शरीर लेना है, लंगड़ा पैदा होगा तो टांग नहीं होगी, भ्रूण के अंदर काना पैदा होगा तो एक आंख नहीं होगी, अंधा अगर पैदा होगा तो दोनों आंखें नहीं होंगी। माने वो पिंड के अंदर ही उसके संस्कारों के अनुसार उसके शरीर की रचना हो जाती है। चार महीने के बाद वो तो पहले ही समाप्त हो गई, पहले ही जब उसका पिंड पेट में समाप्त कर दिया गया। हाँ, अब उसको चार माह के बाद अपना शरीर, पिंड जब समाप्त होता है तो वो रक्त बन करके निकल जाता है, खत्म। आप जहाँ जाएगी, जहाँ जाके जन्म लेगी, वहाँ नया पिंड शुरू होगा, तब तक वो सूक्ष्म शरीर के आधार पर रहेगी, आधार पर रहेगी। और सब धर्मान परिचर्य, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब धर्मों को छोड़ करके जितने भी देह के धर्म है, मामा चाचा नाना काका ताऊ, इन सब धर्मों को छोड़ करके, इनकी धारणाएं छोड़ करके, वो जो कुछ तुमको धारण करना सिखाए उन सब बातों को छोड़ करके, जो मुरली में बताया, क्या लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है, तो ये सब धर्म देहदारियों को छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, माने मुझे एक की शरण में आ जा और किसी की बात न सुन। मुझे एक माने एक बिंदी नहीं, मुझे एक माने कोई साकार होगा, मुझे एक या बिंदी बिंदी होंगी, कोई साकार है उसके द्वारा बोला हुआ महावाक्य है, जो उस गीता में भी लिखा हुआ है, मुझे एक की शरण में आ जा, शरण में आ जा माने जैसे चलाऊं वैसे वैसे चल, तो इसमें शंका क्या है? इस बात में कोई शंका है क्या? है है है? जो भी देह के धर्म है, पहले पहले दुनिया में बड़े बड़े धर्म है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो भी धर्म है वो धर्म, फिर उसके बाद है जो संबंधी हैं, वो भी देह के धर्म सिखाते हैं, वो जो कुछ बोलेंगे कहेंगे हमारी बात मानो, बड़े हैं ना तो कहेंगे हमारी बात मानो, तो उनके देह के धर्मों को छोड़ दो, उन सब को छोड़ करके माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा माने एक की बात सुन, और किसी की बात एक कान से सुनो दूसरे कान से
निकाल लो। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सुनो सबकी, करो करो अपने मन की।